तो बच्चों यहाँ पे बेब्स का एनसीईआरटी का एग्जांपल्स मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है 14.1 एंड 14.1 में ये कहा है कि गिव बिलो आर एग्जांपल गिवेन बिलो आर एग्जांपल्स ऑफ बेब मोशन स्टेट इन ईच केस इफ द बेब मोशन इज ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ए मोशन ऑफ ए किंक इन ए लॉन्ग क्वाइल अ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय डिस्प्लेसिंग वन एंड ऑफ द स्प्रिंग साइडवेज। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो जो किंक है, ठीक है, मोशन ऑफ ए किंक इन ए लॉन्ग क्वाइल अ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय डिस्प्लेसिंग वन एंड ऑफ द स्प्रिंग साइडवेज। तो इसमें अगर आप देखें बेटा किंक में क्या होता है कि द किंक मूव्स एट राइट एंगल टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एंड हेंस इट इज एज एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स, क्योंकि यू राइट एंगल के मतलब जो मूव करता है बेटा राइट एंगल से मूव करता है, तो इसको हम बोल सकते हैं दिस इज द कौन सा वेव है, ये ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, नंबर बी में जो है आपका वेव प्रोड्यूस इन ए सिलेंडर कंटेनिंग ए लिक्विड बाई मूविंग द पिस्टन बैक एंड फोर्थ। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल है बेटा, ये कौन सा वेव है, देखो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल आपको समझ में आता होगा। ट्रांसवर्स का मतलब होता है कि जो हमारा पार्टिकल का मोशन होता है अप एंड डाउन होता है बेटा पार्टिकल, और वेव का मोशन ये होता है, दोनों के बीच का एंगल कितना होता है बेटा 90 डिग्री। तो इस तरह के वेव जो प्रोड्यूस होते हैं, इस तरह के वेव का जो मोशन होता है बेटा, इसको हम ट्रांसवर्स कहते हैं, मतलब जिसमें पार्टिकल जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है और वेव का जो मोशन होता है और पार्टिकल का जो मोशन होता है दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बनता है। और जिसमें बेटा पार्टिकल का मोशन और वेव का मोशन दोनों का मोशन सेम डायरेक्शन में होता है बेटा, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो वेव प्रोड्यूस इन ए सिलेंडर कंटेनिंग लिक्विड बाय मूविंग इट ए पिस्टन बैक एंड फोर्थ, ये कौन सा वेव हो गया, लॉन्गिट्यूडनल हो गया। ठीक है, थर्ड में वेव प्रोड्यूस बाय ए मोटर बोट सेलिंग इन वाटर, वाटर में जो होता है वेव बेटा जो बनता है वो दोनों होता है, कम्बिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव होता है बेटा। अल्ट्रासोनिक वेव्स इन एयर प्रोड्यूस बाय ए वाइब्रेटिंग क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है, तो जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल के कारण यहाँ पे जो बनता है बेटा वो आपका जो लाइट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है बेटा। ठीक है, लाइट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होता है साउंड वेव्स है, और साउंड कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल है। लाइट जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, साउंड जो होता है वो आपका क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 14.2, ए वाटर वेव ट्रैवलिंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय, ये इक्वेशन आपको गिवन है यहाँ पे, इन विच द न्यूमेरिकल कंस्टेंट्स आर इन SI यूनिट्स, ये सब गिवन है आपको, एम्पलीट्यूड निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, ये सारी चीज़ें आपको फाइंड करनी है बेटा यहाँ पे। तो जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है YXT एंड दिस इज इक्वल टू होता है बेटा A साइन दिस इज KX माइनस कितना होता है ओमेगा T होता है। तो अगर आप निकालो तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.005 मीटर, सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड हो गया आपका 5 मिलीमीटर एंड K की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 80 पर मीटर हो जाएगा बेटा। सो और ओमेगा की वैल्यू अगर देखें तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब वैल्यू यहाँ पे निकल गया। तो A में यही सब आपको निकालना था, ये निकल गया बेटा। B में आपसे पूछा है वेवलेंथ, तो लैम्बडा इज इक्वल टू कितना होता है, लैम्बडा इज इक्वल टू 2π/k होता है। सो वैल्यू पुट करोगे बेटा तो आंसर यहाँ पे 7 पॉइंट आपका, जब इसकी जब वैल्यू पुट करोगे तो ये 7 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा 85 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। तीसरा सी में अगर आप देखें तो टाइम पीरियड टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 2π/ω, अगर वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 2.09 सेकेंड हो जाएगा। डी में अगर हम देखें बेटा यहाँ पे, अच्छा फ्रीक्वेंसी भी निकालना था, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/ कितना टाइम पीरियड, सो दिस इज इक्वल टू 1/2.09, सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 0.48 हर्ट्ज हो जाएगा। सो डी नेक्स्ट में अगर हम देखें तो डी में वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका, वाई इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, वाई इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 सेकेंड, टी इक्वल टू 20 सेकेंड, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.005 मीटर और इनटू हो जाएगा यहाँ पे साइन, इनटू हो जाएगा यहाँ पे साइन 80
इंटू 0.3 एंड माइनस 3 इंटू कितना हो जाएगा 20। सो इसका जो वैल्यू आ जाएगा बेटा y इज कल टू, सो दिस इज कल टू 5 मिलीमीटर हो जाएगा। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, तो स्टील वायर 0.72 मीटर लॉन्ग हैज़ ए मास ऑफ 5 × 10⁻³ kg। इफ द वायर इज अंडर ए टेंशन ऑफ 60 न्यूटन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन द वायर। सो बेटा यहाँ पे सब चीज़ गिवन है आपको, वी इजकल टू रूट अंडर टी अपॉन कितना होता है म्यू, एंड व्हाट इज म्यू, म्यू जो होता है बेटा मास अपॉन लेंथ होता है। सब वैल्यू फाइंड कीजिए और यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, तो v इजकल टू आपका 93 मीटर पर सेकेंड आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। सब तो गिवन है आपको, टेंशन गिवन है, टेंशन इजकल टू कितना है आपका 60 न्यूटन है, ठीक है। आप म्यू निकाल लेंगे यहाँ से, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एस्टिमेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एयर इज 229.0 × 10⁻³ kg। तो एट एसटीपी डेंसिटी इसका लो कितना होता है बेटा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एयर एट एसटीपी। सो दिस इज कल 29 × 10⁻³ kg एंड डिवाइडेड बाई 22.4 × 10⁻³। सो दिस इज कल 1.29 कितना हो जाएगा, दिस इज केजी पर मीटर कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। एंड प्रेशर इसकल टू कितना है, दिस इज कल टू 1 atm है, एंड 1 atm इज कल टू 1.01 × 10⁻⁵ कितना 5 × 10⁵ Nm² हो गया। सो वेलोसिटी वी इजकल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर वेलोसिटी वी इजकल टू हो जाएगा आपका रूट अंडर पी अपॉन कितना रो। सो दिस इज कल टू 280 मीटर पर कितना आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा, दिस इज आंसर। नेक्स्ट अगर 14.6 देखें बेटा, द टू सितार स्ट्रिंग ए एंड बी प्लेइंग विथ नोट्स धा आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूसेज बीट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज। द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग बी इज स्लाइटली इंक्रीज एंड द बीट फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू डिक्रीज बाई 3 हर्ट्ज। वॉट इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 427 हर्ट्ज। ठीक है, तो क्या कर रहा है, सिंस द नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस बाई पर सेकेंड कितना है 5। बीट जो है बेटा, बीट क्या होता है, एक लाउड साउंड। जैसे अगर दो कहीं पे सोर्स है और वहाँ से साउंड निकल रहा है, तो जब दोनों आपस में मिलते हैं, जब इंटरफेयर करते हैं बेटा, तो कभी लाउड साउंड सुनाई देता है, कभी फेंट साउंड सुना देता है। और जो एक लाउड साउंड और एक फेंट साउंड जो सुनाई देता है, इसको हम 1 बीट बोलते हैं बेटा, ठीक है। सो अगर हम देखें, मान लिया जाए फ्रीक्वेंसी बी का इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड प्लस माइनस कितना हो जाएगा 5, या तो 5 ज़्यादा हो गया या तो 5 क्या होगा कम। सो दिस इज इक्वल टू 427 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 5। सो दिस इज इक्वल टू या तो 432 हो जाएगा, ठीक है, हर्ट्ज, और कितना हो जाएगा 422 कितना हो जाएगा हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है व्हेन द टेंशन ऑफ स्ट्रिंग बी इज इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इंक्रीजेज एंड द नंबर ऑफ बीट इज फाउंड टू बी डिक्रीज टू 3। दिस पॉसिबल ओनली इफ वी बी इज 422 बिकॉज टेंशन इन द वी बी मे बिकम्स 424 हर्ट्ज टू गिव 3 बीट्स पर सेकेंड। देखो बेटा, तो ये आपका आ गया यहाँ पे, अब ये तो आ चुका, ठीक है। वी बी अगर जो अगर वी ए इसका टू 427 होता है, तो वी बी या तो 432 होगा या 400 कितना हो जाएगा 22 होगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग बी इज स्लाइटली इंक्रीज एंड द बीट फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू डिक्रीज बाई 2-3। बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर गया, तो बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर गया तो 420 कितने से 3 से, मतलब कि 3 से क्या कर गया, बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर गया है, तो मतलब बीट फ्रीक्वेंसी अब कितना बचा है, 2 ही बचा है, ठीक है। बीट फ्रीक्वेंसी कितना बचा है, 2 बचा है। तो अब 427 में से, ठीक है, 427 में से अगर 424 घटाओ तो कितना बचेगा 3। इसका मतलब कितना फ्रीक्वेंसी होगा, 424 ही फ्रीक्वेंसी बचा होगा, या 400 कितना बचा होगा, 22 बचा होगा, बात है समझ में। सो 424 या 422 बचा होगा बेटा आपका। तो इस तरह से हमें इसमें, जैसे बीट फ्रीक्वेंसी वाले में हम निकालते हैं वी बी एंड माइनस वी ए एंड दिस इज कल टू, ये होता है आपका बीट फ्रीक्वेंसी। तो यहीं से आपको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। और अगर लास्ट में बोला कि 3 से डिक्रीज कर गया है, तो 3 से डिक्रीज कर गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 420 कितना हो जाएगा, अगर 427 को हम लें तो 427 में 3 घटा दो तो
427 में 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 420 कितना बचेगा, 424, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें अगर 14.1 को, तो 14.1 ये हाँ 14.1 को, तो इसमें फिर से बेटा अभी एक इसी तरह का क्वेश्चन किया था, लेंथ गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन 14.1 को अगर हम देखें तो लेंथ गिवन है, लेंथ इसका लू कितना है, दिस इज 20 मीटर, ठीक है। एंड मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, दिस इज 2.5 अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज 20, सो दिस इज 0.125 kg पर कितना हो जाएगा मीटर। एंड टी टेंशन है बेटा, टेंशन इसका लू कितना है, दिस इज 200 न्यूटन है, सो वी इसका लू रूट अंडर कितना, टी अपॉन म्यू, सो दिस इसका लू कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द आंसर। एंड टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 20/40, 20 मीटर/40 मीटर पर सेकेंड, सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5 सेकेंड हो जाएगा, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14.2 में क्या कहा है आपसे कि स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 300 मीटर हाई स्प्लैशेज इनटू वाटर ऑफ द पॉन्ड नियर द बेस ऑफ द टावर, व्हेन इज द स्प्लैश हियर्ड एट द टॉप, ठीक है। तो जो छपाक से आवाज़ आती है ना, कोई ऑब्जेक्ट को गिराते पानी तो नहीं करता छपाक सा, तो वो आवाज़ कब सुनाई पड़ेगी ये आपको पूछा है। तो हाइट कितना हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 14.2, तो हाइट कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 300 मीटर हो गया, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकंड होता है बेटा, एंड जी इज इक्वल टू कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। सो व्हाट इज T1, तो T1 इज इक्वल टू रूट अंडर 2H अपॉन कितना होता है जी, हमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ रखा है ये, सो इसको कैलकुलेट करोगे तो 7.82 सेकेंड आ जाएगा बेटा, ठीक है। एंड T2 इज द टाइम टेकन बाय द साउंड टू ट्रेवल फ्रॉम द वाटर टू द टॉप, तो टाइम कितना लग जाएगा, छपाक जो आवाज़ आएगी बेटा, ये तो टाइम हो गया किसका, ऊपर से ईट का गिरने का, नीचे से छपाक आवाज़ जाएगी बेटा, उसका टाइम हो जाएगा T2, एंड T2 इसका टू एच अपॉन कितना V, तो हाइट कितना 300 और स्पीड ऑफ साउंड से जाएगा तो 340, सो दिस इसका टू कितना 0.88 सेकेंड, सो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, टी इसका टू T1 + T2, सो 7.82 एंड प्लस 0.88, सो दिस इसका टू टोटल लग जाएगा 8.7 सेकेंड, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15.3 को अगर देखें तो इसमें फिर से बेटा वही वी इज कल रूट अंडर टी अपॉन म्यू होता है, ठीक है। क्वेश्चन 14.3 को अगर आप देखें तो फिर से वी इज कल रूट अंडर कितना होता है, टी अपॉन कितना होता है म्यू, सो दिस इज टी स्क्वायर इज कल टू कितना, दिस इज वी स्क्वायर इंटू कितना म्यू, सब वैल्यू पुट कर दो यहाँ से आपका टी की वैल्यू निकल जाएगी, सो अच्छा सो टी इज कल टू नॉट टी स्क्वायर, दिस इज टी स्क्वायर करोगे बेटा तो वी स्क्वायर इज कल टू टी अपॉन म्यू, सो टी इज कल टू कितना, दिस इज वी स्क्वायर इंटू म्यू, वी गिवन है म्यू गिवन है, वैल्यू पुट करोगे यहाँ से तो 2.06 आपका इंटू 10^4 न्यूटन आपका आंसर यहाँ पे आएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट अगर 15.4 को देखें हम तो इसमें पूछा यूज़ द फार्मूला वी इज़ इक्वल टू रूट अंडर गामा पी अपॉन रो टू एक्सप्लेन व्हाई द स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर इंक्रीज विथ टेम्परेचर एंड इंक्रीज विथ ह्यूमिडिटी। तो क्वेश्चन नंबर 14.4 को अगर देखें बेटा तो हम जानते हैं वी इज़ इक्वल टू कितना होता है रूट अंडर गामा पी अपॉन कितना होता है रो, ठीक है। एंड पी वी इज़ इक्वल टू कितना होता है बेटा, दिस इज NRT नंबर ऑफ मोल अगर वन लेते हैं तो पी वी इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज RT हो जाएगा, ठीक है। एंड वी इंटू रो कितना हो जाएगा, दिस इज मास, वी इंटू रो इसकल टू कितना m हो जाएगा मास, सो वी इसकल टू अगर वैल्यू पुट कर दें तो कितना हो जाएगा रूट अंडर गामा RT अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज m। सो a में सबसे पहले देख लीजिए कि v इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर है ही नहीं कहीं पे रोल में बेटा, तो v जो है बेटा वो क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर है, दिखा दिया हमने। b पार्ट अगर देखें तो v डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर कितना t डायरेक्टली है। एंड c में अगर देखें बेटा तो ह्यूमिडिटी के बारे में बात करें अगर, तो वी जो होता है, ठीक है, वी जो होता है जैसे ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी आपका ह्यूमिडिटी इन एयर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, द मोलर मास m ऑफ वाटर इज 118, वेयर इज द मोलर मास ऑफ N2 एंड O2 जो होता है 20 and 32 होता है, दस द ह्यूमिडिटी इन एयर इंक्रीज द इफेक्टिव मोलर मास ऑफ द एयर डिक्रीज एंड कंसिक्वेंटली वी इंक्रीजेज,
सो वी जो होता है बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√2 क्या होता है मोलर मास, इसके कारण बेटा ह्यूमिडिटी जो है वो इंक्रीज करता है।